भगवान भाई एक पैग हटा दे चुप रहे यार, चार पैग तो तू पी गए और हो डाल लगे यार है? अरे भैजी नए साल चढ़ वहां छ, नए साल को जोरदार सौ गए थे स्वागत तेज मौजो बोलू वे ध्यान होता है राजस्थ आठ पैग पिए दे ना हल्की होनी भी नहीं वैसे। हैप्पी न्यू ईयर, अरे नए साल लग गए 12 बज गए, हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, अरे तुम सबके लिए जान दे देगा जान। चुप रहे यार, दारू का बकवास न करे, जान दे देगा जान है साले। 8 महीना बिटिन मेरे 5000 तो दी नहीं सके यार, जान दी दे तू चुप। अरे यार भाई यार मैं भाई हूँ भाई, अरे कसाई हूँ, अरे भाइयों के लिए मैं अपनी जान क्या, अरे शेर से लड़ जाऊंगा, शेर से लड़ जाऊंगा। चुप रहे यार, बड़ी टीम का मानो शेर से लड़ जाओ लो है, अपने जान आने सामने तो बिराव बन जाने रहा मारो मानो शेर से लड़ ली। चुप रहे, बकवास करने हुआ। देखो भगवान तो भाई, देखो एक बार मेरी सुन। हाँ, दो सिगरेट की कश। हाँ, दो पैक दारू, अरे दोस्ती को इसे मजबूत कर देता ना, मतलब मैं भी जान लो ये जमाना पर यही तो आग लगी हूँ है। नौने नौने वाला 36 का 36 गुण भी मिल जाओ ना जन्म पत्री में, वहां का बाल भी खतरा में बनी हूँ है कि कब तलाक हो जाऊ है। लेकिन ये बात तेरी ठीक, दारू और सिगरेट की दोस्ती साइड उम्र की पक्की, क्या साले ये रात होते हैं ये कक का गाल देना और आ कदम ब्याह में फिर एक हो जाना। और यार राजेश सारे खोपड़े खराब नहीं तो यू ही समझ नहीं हूं दू कि यू वोंदु किला चाहिए ना। हैप्पी न्यू ईयर, 12 बज गए भगवान बोला के समझ नहीं होने। अरे क्या समझ हो यार, मैं यू समझ नहीं हूं दी कि दरवाजा जो है ना दुई बोतल खत्म कर देना, और दुई बोतल खत्म करना बाद बोल देना कि भाई जी ये नहीं समझी कि मैं पी के चौको नहीं। अब वो उल्लू पठा था कोई यह समझा हो कि दुई बोतल खत्म करना का बात चाहे तो वो नहीं है कि ये मत समझना कि मैं दारू पी के बोल रहा हूँ कम चौको नहीं भाई। अरे यार भगवान भाई तुम सोचे क्यों करते थे, अरे ये को पैर क्यों ठंड हो गया जरा गरम कह रहा था यार, जरा पैक बनाओ तुझे पैक तेरे कबाब में बनाओ ये दिया खत्म होएगी है और मांगो और पढ़ ले। अरे यो तो मंगा लो चल बे, हां तू मांग के फिर चोरा यार यो मंगा लो यो। अबे यो तू बन आदमी छे ना, जब पैसा इकट्ठा करना ना ना प्याणो ते उम्र तो नजर नहीं आंदो, और जट हम प्याण लगदा तो ये या ना आंदो सुंगी कैंजर कुत्ता सिगार सुंगी नहीं आंदो क्यों मंगा लो तो ये मैं छादम तुम्हार फूक तो मारो। ये तो छोड़ो ये फूक के मन ये तो फूक फूक ये अपन पूरी फूक दिया हो यार फूक नहीं मैं रामी मुझे तुम ला ला मार फूक मार। मैं भी तुम्हारा भाई जिंदा है, चौबीस घंटे दारू की फिकर दारू की चिंता रहे ना, और दुई गुटकी यूं पुटक गया ही, और तब सुना यूं की बड़ी बड़ी बत्था है बजर पुआड़ तुम्हारे बुद्धियों पर। अरे सुबेर पर रीता बटवा देखी कपाल पकड़ी रही शोक मनाना पर मैं वैसे उड़ रहा ना। अरे 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 अरे, अरे मेरे पंजे मेरा बम का बोला तू पर घुस अकेला वाणी यार तेरे पता हम नए साल आने वाले हैं 12 बजे बेटे नए साल लग जान हैं हम तो खुशी था मनोड़ा नया साल है की और बोला नहीं कि पहली पहली खुशी मना तो फिर सेड़ा सारा खुश रहा यूं पहला खुश तुम्हारी खुशी मनाना दारू का लावा तुम्हारे और खुशी कुछ हो ही नहीं सके नए साला खुशी हाँ। देखो
सुनाई जी देखो देखो परवा बेटे की दारू सारू कारू सब बंद ये देखो कसम खान सुन लिया हैप्पी न्यू ईयर नए साल लग गए हैप्पी न्यू ईयर अरे चुप रह यार तेरे को हैप्पी न्यू ईयर पर बाजार पड़ लो क्या है वहाँ ये बम को कोला पड़ेगी सुबह तू गुस्सा नहीं हो यार मैं सच बोल रही हूँ नया साल बिटिन ना कसम से ये दारू सिगरेट बुरी आदत सब बंद सच्ची कसम खाने यार मैं मेरी गिच्ची कसम खाऊं हर साल तुम्हारे दरोजों की सी रटन रहे कि ये साल ये लास्ट महीना आखिरी दिन चे आज भी नहीं अपने साल बेटे की सब ऐब खत्म सब ऐब बंद और फिर हुई दारू शुरू फिर हुई बीड़ी सिगरेट शुरू अरे यार सुमन ये बात मैं भी आज तक समझ नहीं आई कि यन किले बंदे हो हम रोज बात करता प्रॉमिस करता कि अगले साल बेटे यन निकल और फिर वो नहीं हो जाने यार ये बात मैं भी नहीं समझे आज तक हैप्पी न्यू ईयर 12 बज गए अरे चुप रह यार बुढ़िया 12 बज गए 12 था 12 बज गए नहीं यार हैप्पी न्यू ईयर लगी वो यार सुमन तू गुस्सा नहीं कर यार तो पता हमने सच में सच्चा दिल से हमेशा प्रॉमिस करता है कि नया साल बिटिन कोई बुरा काम नहीं करना पर पता नहीं किले हम अपन बात भूल जाना यार मैं समझ नहीं आती अरे शुरुआत में तो तुम्हारा उल्टा काम शुरू है जानी ने सब बुद्धि सुबुद्धि का बड़ा मिलन तुम थई ना उल्टा काम उकना इन्हें सुना पहली बात हम दे भूमि बटे छा है ना देवताओं का बड़ा बड़ा थान हमारे देव भूमि में छिन है वेद और ग्रंथों की उत्पत्ति हमारे उत्तराखंड बटे हुई है बड़ा बड़ा ऋषि मुनि हमारा उत्तराखंड में हुई और उन्होंने पूरी दुनिया थे नियम धर्म है कर्म सिखे और तुम और जो नए साल में आना छो ना यो नए साल हमारे चैतक महीने बटे शुरू हूं पता चो तुम थे चैतक महीने बटे शुरू हूं और तुम अंग्रेजों को नए साल में आना छो जय कि न कोई गाथ छ न छुई छिन न बथ छिन न इन भिजो पड़ो तुम को न यार वाकई तू ठीक बन यार हम तो उत्तराखंड सनातन धर्म का लोग हम भैरव के अपना रीति रिवाज अपनी संस्कृति अपना त्योहार अपनी महानता दुनिया तक बताऊं चाहते थे और हम वही भूल के और दूसरों का रंग में छान रंगने उनका त्योहार मनाने हैं उनकी बात मानने उनकी संस्कृति तय अपनाने अगर जय हिसाब से हमारे पलायन वाणी और हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा भूलिया हिसाब से क्या दिन हमारी अस्तित्व खत्म हो जाना हमारी संस्कृति हमारी परंपरा खत्म हो जानी यार तू ठीक बन आनी छे जरा समझो दगड़ियो आप थे पता हम सब सनातन धर्म का लोग छा और हमार धर्म मा नए साल की शुरुआत चैत का महीना का शुक्ल पक्ष बटे शुरू हुई जैसे कि हम माँ भगवती को पूजन हरियाली डाली शुरू कर दा हम धरती को पूजन कर दा हम हेल बल्दू को पूजन कर दा हम धरती माँ नई बीज जन की झंगोरू और धान वे थे बुए की नए साल की शुरुआत कर दा और हमारे गांव की छोटी छोटी नौनी जो कि हम देवी को रूप मंदा भगवती को रूप मंदा वो बूंद जाए की फ्योली गुरियाल और बन बन की का फूल चुनिक लेने टोकरियों माँ और देलियों माँ डाली की नए साल को स्वागत कर दा इंच हमारी परंपरा उन तो हमारी कत के धार्मिक परंपरा छे पर एक विशेष बात और छे कि हम जो भी बार त्योहार गति का हिसाब से मनांदा वो हमार पंचांग के मुताबिक मने जने और हमार पंचांग चैत का महीना बटे शुरू हूँ जैसा कि हमार पूर्व सनातन धर्म हिंदू समाज मंद इतु बात तो हम ते अपरा नई पीढ़ी थे बतान चे उन तो कई जानकारी छिने पर इतु जानकारी तो हम ते पता होनी चे चैत का महीना माँ हमार नए साल की शुरुआत होंगी और ये चैत का महीने का महत्व ये नया साल को महत्व आप सब थे पता चल सकूँ हमारे ई प्रयास से और हमारा रीति रिवाज हमारी परंपरा हमारा बार त्योहार हमारे नई पीढ़ी थे पता चली हमारे नई पीढ़ी जुड़ी करा अपनी संस्कृति से यही हमारे प्रयास से और ये माँ आप सब सहयोग कर लिया यही आस से धन्यवाद।